तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप के जो चैट्स है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, मतलब काफ़ी लोग रहते हैं कि जो भाई एक न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं या फिर दूसरे फ़ोन पे शिफ्ट होते हैं, तब यहाँ पे करना क्या होता है कि भाई उनको जो व्हाट्सएप का जो डेटा है वो एक फ़ोन से यहाँ पे दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको यहाँ पे जो बैकअप लेना पड़ता है गूगल ड्राइव में जाके, जिसमें काफ़ी इंटरनेट का यहाँ पे यूज़ होता है, और जिससे होता है ये कि प्रॉब्लम यहाँ पे मेन ये होता है कि भाई इंटरनेट की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज के समय बताऊँगा, बिना यहाँ पे गूगल ड्राइव को यूज़ किए सिंपली आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी सिर्फ वाईफाई से, मतलब इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, बस वाईफाई आपके फ़ोन में एनेबल रहना चाहिए। यानी दोनों फ़ोन में आप हॉटस्पॉट किसी और फ़ोन का ऑन कर दो और दोनों फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लो, आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए मैं बताऊँगा प्रोसेस क्या है, तो चलिए इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से जितने चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोनों फोन्स को आपको यहाँ पे रेडी कर लेना। आप देख सकते हो मैंने दोनों फोन्स को यहाँ पे रेडी करके रख लिया है। यहाँ पे जो आप लेफ्ट में जो स्मार्टफोन आप देख रहे हो, इससे हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे ये जो राइट वाले स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी आपका फोन है उसको या फिर एक वाईफाई से कनेक्ट करना है या फिर किसी भी एक हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है। अब हॉटस्पॉट यानी कि आपको एक तीसरा फोन की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों का हॉटस्पॉट नहीं, एक और फोन की जरूरत पड़ेगी। या फिर अगर आपके पास वाईफाई मौजूद है तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो और यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करने की किसी ना किसी तीसरे फोन की हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है, या फिर यहाँ पे अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो ये सब करने पर आपको करना क्या है, जो भी फोन से आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो पहले वो फोन को हमने यहाँ पे ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे करना क्या है चलिए मैं सिंपली बताता हूँ आपको। तो जिस फोन के अंदर आपका जो व्हाट्सएप पड़ा है उस फोन को पहले आप ले लेना, ठीक है। उस फोन के अंदर जो व्हाट्सएप है उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर मेरा व्हाट्सएप है जिसके अंदर पूरा डेटा है, इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा। तो अभी आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे ऊपर के साइड में आप देखो यहाँ पे तीन लाइन नजर आ रही होगी। अब आपको जो है ये तीन लाइन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, यहाँ पे चैट्स नाम का एक ऑप्शन ढूंढना। देखो ये रहा चैट्स का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये चैट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो कुछ ऐसा पेज आ जाता है, तो नीचे स्क्रोल करना है। नीचे जैसे आप स्क्रोल करते हो यहाँ पे ट्रांसफर चैट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपली जो ट्रांसफर चार्ज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, देख लो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉइड फोन, ऐसा लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज आपको करनी है ये है कि स्टार्ट दबाने के पहले आपको ये जो दूसरा वाला फोन है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो व्हाट्सएप का जो भी डेटा है, तो यहाँ पे दूसरे वाले फोन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली जो भी दूसरा फोन है उसके अंदर भी व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जैसे व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ आपको देखना क्या करना है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, और ध्यान रखना अभी लॉगिन नहीं करना, ठीक है। अभी लॉगिन नहीं करना, क्योंकि अभी लॉगिन अगर कर दोगे तो आपका जो व्हाट्सएप चैट है वो नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो फोन से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वहाँ पे स्टार्ट नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब ध्यान में रखना ये जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ऐसा कैमरा खुल जाएगा, इसको आपको ओपन ही रखना है। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो आपका जो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा और आपका जो चैट्स वीडियो जो भी है वो सब गायब हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो कैमरा है वो खुला रहना चाहिए और साथ में इंटरनेट जो है कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे देख लो कैमरा जो है खुला रहना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, कैमरा खुला रख के आप छोड़ देना उसको, उसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो भी नंबर है आपका उसी नंबर से लॉग इन करना है जो नंबर उस फोन में आपने लॉग इन किया था। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे आपको यहाँ पे डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली एक ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नॉट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं दबाना है, और सिंपली देख लेना कि आपको जो वाईफाई है ना उसके अंदर इंटरनेट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो देख लेना, वरना काफी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो उसका इंटरनेट आप देख लेना, और साथ में इस फोन का देख लेना कैमरा जो है चालू है कि नहीं, और उस फोन में इंटरनेट भी दोनों फोन में इंटरनेट जो है एकदम सही से चलना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे परमिशन मांगेगा स्टोरेज का, साथ में लोकेशन का, दोनों का जो परमिशन है आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। तो देख लो यहाँ पे दोनों परमिशन मैंने अलाउ कर दिया, और लोकेशन ऑन करने के लिए कह रहा है, तो लोकेशन आप ऑन कर लेना इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन मैं ऑन कर लेता हूँ। लोकेशन जैसे ही मैंने ऑन कर लिया यहाँ पे देखो दोनों डिवाइस कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे QR कोड आ चुका है। अब आपको जो दूसरे फोन में जो भी फोन था जिसके अंदर कैमरा ओपन हुआ था उससे इसको स्कैन कर लेना है।
अब ऐसे ही इसको स्कैन कर लेते हो, दोनों फोन जो है कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ यहाँ पे ना थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट कैसा है। तो इसको आप थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपके दूसरे फोन में जिसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक मैसेज को, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, वो मैसेज जो है आपके दूसरे फोन पे आ जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये अभी तक लोड ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जरूर। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस अभी कम्प्लीट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज जो है आ चुका है मेरे फोन में। देख लो यहाँ पे आपका फोन का नेम लिखा आ जाएगा, क्या आप इस फोन से डेटा लेना चाहते हो कि नहीं ये पूछ रहा है। तो आपको सिंपली एक्सेप्ट पे दबाना है, क्योंकि अगर डिक्लाइन पे दबाते हो तो आपका जो डेटा ट्रांसफर वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से एक्सेप्ट पे दबा देना, और जैसे एक्सेप्ट पे दबाओगे यहाँ पे दोनों फोन का जो डेटा है वो आपस में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप देखो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है मेरा, यहाँ पे पहले वाले फोन में कम्प्लीटेड आ चुका है, अब दूसरे वाले फोन में भी कम्प्लीटेड आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है सारे डेटा सेटल होने में। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे कम्प्लीटेड का मैसेज आ चुका है, और दूसरे वाले फोन पे भी यहाँ पे ट्रांसफर कम्प्लीट का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे दोनों फोन का जो डेटा वो ट्रांसफर हो चुका है। आपको हो सकता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगे डेटा ट्रांसफर होने में, अगर आपके पास काफी ज्यादा डेटा पड़ा है, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो फाइल्स हो गए। अगर आपके फोन में वीडियो ऑडियो फाइल्स काफी ज्यादा है व्हाट्सएप के अंदर, तब टाइम लग सकती है। बट मैंने बस टेस्टिंग के लिए आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखो डेटा ट्रांसफर काफी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करके आप यहाँ पे डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हो अपने पुराने फोन से नए फोन में, या फिर जो भी फोन में आप ट्रांसफर करना चाहते हो। देख लो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका जो नेम है वो यहाँ पे लिख देना। नेम आप जैसे यहाँ पे लिख दोगे आपका जो पुराना जो डेटा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्किप मार देते हैं इसको। यहाँ पे देखो स्किप मारते ही सारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा डेटा ट्रांसफर का भी। तो यहाँ पे देखो सेटअप पूरा कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाट्सएप जो है लॉग इन हो चुका है पूरा सक्सेसफुली। आपका जो पूरा जो डेटा है वो सब आ जाएगा, वीडियो ऑडियो या फिर जो भी फाइल्स है, सारा जो कॉल हिस्ट्री है सब कुछ यहाँ पे आपका जो है वापस आ जाएगा। तो देखो ये कंप्लीट हो गया, और ये देखो मेरे जो सारा जो कॉन्टैक्ट्स थे वो भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं, और साथ में उनके जो मैसेजेस है वो भी यहाँ पे वापस आ जाएंगे। यानी जो भी आप वीडियो ऑडियो शेयर करते रहते हो वो सब भी यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो मैंने आज के वीडियो में बता दिया कैसे आप चैट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो ऐसा करके आप यहाँ पे जो भी चैट्स है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। देखो दूसरे वाले फोन में लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, यानी कि लॉग इन करने के लिए बोल रहा है फिर से लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा करके आप यहाँ पे पूरा जो चैट्स है वीडियो से सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है सब फॉलो करने में, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं कॉन्टेक्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।